प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का प्लांट वाटर रिलेशंस के चैप्टर के लेक्चर नंबर फाइव में इस लेक्चर में हमारा एम्फेसिस होगा ट्रांसफिरेशन पे ट्रांसफिरेशन कितने प्रकार का होता है ट्रांसफिरेशन के क्या एडवांटेजेस प्लांट के लिए हैं क्या डिसएडवांटेजेस प्लांट के लिए हैं साथ के साथ इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसफरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं स्कॉप इस लेक्चर का है इसमें आप समझ पाएंगे वाटर लॉस क्या है ट्रांसफरेशन क्या है ट्रांसफरेशन कितने प्रकार का होता है ट्रांसफीरेशन के प्लांट के लिए एडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसफरेशन को अफेक्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप इस लेक्चर के बाद समझ पाएंगे व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं सबसे पहले मैं रोशनी डालूंगा वाटर लॉस पे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ़ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड वाटर लॉस प्यारे विद्यार्थियों दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ वाटर लॉस कि जो एक्सेस में वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर उसका लॉस हो जाना वाटर लॉस कहलाता है ऑलमोस्ट 95 परसेंट ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज लॉस्ड अगर सौ मिली पानी एक प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है तो उसमें से पचानवे एम वो लूज कर देता है इन डिफरेंट वेज और केवल पाँच परसेंट ही अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वो इस्तेमाल करता है दैट अकर्स इन थ्री वेज नंबर वन ट्रांसफीरेशन नंबर टू गटेशन एंड नंबर थ्री ब्लीडिंग सो इन दैट लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर लॉस दैट इज ट्रांसफीरेशन ट्रांसपीरेशन को विस्तार से लेते हैं डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपीरेशन। क्लासिकल डेफिनेशन इसकी है प्रोसेस ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट के एरियल पार्ट से वेपर्स के रूप में वाटर का एस्केप कर जाना ट्रांसफिरेशन कहलाता है अब जो ट्रांसफिरेशन है ट इज ऑफ थ्री टाइप्स ये तीन प्रकार का है नंबर वन स्टोमेटल ट्रांसफरेशन नंबर टू चूटिकुलर ट्रांसफिर नंबर थ्री लेंटिकुलर ट्रांसफिरेशन डिपेंड करता है ट्रांसफरेशन कहां से होता है एरियल पार्ट में उसी के अकॉर्डिंग यह तीन टाइप का क्लासीफिकेशन है सो वी आर टेकिंग वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग स्टोमेटल ट्रांसफरेशन द्रांसफिरेशन दैट अर्स थ्रो स्पेशलाइज्ड पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्ज काल्ड स्टोमेटा एंड दिस ट्रांसफरेशन इज कार्ल्ड स्टोमेटल ट्रांसफरेशन जो लीव्स की सरफेसेज हैं उनके ऊपर स्पेशलाइज्ड पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और अगर स्टोमेटा में से वाटर वेपर्स के रूप में एस्केप करता है देन दिस प्रोसेस इज काल्ड स्टोमेटल ट्रांसफरेशन ऑलमोस्ट नाइंटी परसेंट ऑफ द टोटल ट्रांसफिरेशन जितना भी ट्रांसफिरेशन होता है उसका 90 परसेंट जो ट्रांसफरेशन है वो स्टोमेटल ट्रांसफिरेशन है यानी इन्हीं छिद्रों के थ्रू है स्टोमेटा के थ्रू है द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि जो स्टोमेटा हैं वो लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट हैं बट इन सम केसेस कुछ केसेस में जो स्टोमेटा हैं वो लीफ की अपर सरफेस पे केवल और कुछ केसेस में दीज आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसिस ये दोनों सरफेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा एबसेंट भी होता है तो देखिए डायग्रामेटिकली शो किया गया है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इसमें हम देखें एक लीफ का सेक्शन शो किया गया है जिसमें अपर इपिडर्मिस उसके बाद पैलीसेड लेयर ऑफ मिजोफिलिक सेल्स यानी क्लोजली पैक्ड मिजोफिलिक सेल्स आर प्रेजेंट देयर देन देयर इज स्पोंजी लेयर यानी ऐसी मिजोफिलिक सेल्स की लेयर जि, जिसके बीच जो है एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं और डेफिनेटली वाटर इवन इज एक्यूमुलेटेड इन दीज एयर स्पेसिस और लोअर इपिडरमिसमेटा शो किया गया है सो द वाटर इज एस्केप्ड थ्रो दीज माइन्यूट पोर्स दैट इज स्टोमेटा और दिस टाइप ऑफ ट्रांसफिरे इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसफिरेशन इस प्रकार के ट्रांसफिरेशन को हम स्टोमेटल ट्रांसफिरेशन कहते हैं नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्यूटिकुलर ट्रांसफिरेशन डियर स्टूडेंट्स लीव की सरफेसिज पे अपर एज वेल एज लोअर दोनों सरफेसेज पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं दैट इज प्रेजेंट अबाउ इपिडर्मिस इपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये क्यूटिकल एक प्रकार से वैसे तो एंटी ट्रांसपीरेंट का काम करती है लेकिन क्योंकि प्रोटीनेशियस नेचर इसका है तो कुछ वाटर ये इम्बाइव कर लेती है और जो वाटर इम्बाइव करती है उसको ये ट्रांसफायर कर देती है यानी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स दैट वाटर कैन बी एस्केप्ड इन द एयर सो द ट्रांसफीरेशन दैट अकर्स थ्रो कवरिंग प्रेजेंट ओवर द इपीडर लीव कार्ड क्यूटिकल एंड द प्रोसेस इज कार्ड क्यूटिकुलर ट्रांसफिरेशन डियर स्टूडेंट्स इसका अमाउंट कम है दैट इज ऑलमोस्ट सेवन टू एट परसेंट ऑफ टोटल ट्रांसफिरेशन जैसे मैंने बताया क्यूटिकल वैसे ट्रांसफिरेशन को रजिस्ट करती है क्योंकि जीरो फाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी थिक हो जाती है और जब ये थिक हो जाती है तो वाटर लॉस इसके थ्रू घट जाता है लेकिन थोड़ा बहुत वाटर जो इम्बाइब करती हैं दैट कैन बी एस्केप्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और दिस टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। आगे डायग्राम शो किया गया है और दैट डायग्राम इज शोइंग कि जो इपिडर्मिस है अपर इपिडर्मिस दैट इज कंटेनिंग क्यूटिकल ओवर इट इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है मैंने बताया क्यूटिकल वैसे तो रजिस्ट करती है वाटर फ्लो को या वाटर एस्केप को बट सम ऑफ द वाटर जो ये इम्बाइव करती है दैट कैन बी एस्केप्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स नेक्स्ट डायग्राम अगेन इज शोइंग क्यूटिकल वेरी क्लियरली और डिस्टिंक्टली जो अपर इपीडरम इसके ऊपर प्रेजेंट है और अगेन आई कैन से वाट सम ऑफ द वाटर कैन बी एस्केप्ड थ्रू दिस पार्ट और दैट टाइप ऑफ ट्रांसफोरेशन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसफोरेशन नेक्स्ट आई एम टेकिंग लेंटिकुलर ट्रांसफिरे डियर स्टूडेंट्स ऐसा ट्रांसफिरेशन जो स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं उनके थ्रू होता है लेंटिकुलर ट्रांसफरेशन कहलाता है द ट्रांसफिरेशन द टकरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द वुडी स्टेम ऑफ द ट्रीज आर कॉल्ड लंटी सेल्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसफिशन ये जो वाटर लॉस है ये मिनिमम है और ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफिशंस दैट इज ओनली वन टू टू परसेंट केवल एक से दो परसेंट जो ट्रांसफरेशन टोटल ट्रांसफरेशन का वो लेंटिकुलर ट्रांसफरेशन है स्टैम का डायग्राम यहाँ सेक्शन शो किया गया है और इस सेक्शन में हम देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों Uh, क्योंकि स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है और इसके अंदर लेंटी सेल्स क्लियरली विजिबल हैं और इन लेंटी सेल्स में से जो वाटर वेपर्स के रूप में एस्केप करता है दैट ट्रांसफिरेशन इज कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसफिरेशन नाउ वी आर डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ द लीव्स एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशंस एंड इन्फ्रारेड रेडिएशंस डूरिंग द डे टाइम एंड हीट डिंग नाइट टाइम यानी दिन के समय विजिबल रेडिएशंस और इन्फ्रारेड रेडिएशंस दोनों प्रकार की रेडिएशंस को लीव्स ऑब्जॉर्व करती हैं रात के समय केवल और केवल हीट ऑब्जॉर्व करती हैं और जो हीट वो गेन करती हैं फ्रॉम एटमोसफियर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर देअर वो वाटर के एवेपोरेसन के लिए रेस्पॉन्सिबल है the water vapors from intercellular spaces in between the cells of the leaves is escaped as per diffusion pressure gradient the diffusion pressure gradient hai, uske according to water vapors have escaped from the leaf that is from the higher diffusion pressure of the leaves to lower diffusion pressure of the uh, that is in the atmosphere any yani, the water vaporska uh, diffusion pressure hai, that is present more inside the leaves and present uh, less in outer atmosphere. So, that is the force actually responsible for the escape of water vapors from the leaves. The water then entered in the intercellular spaces from the parenchymatous cells of the leaves. The parenchymatous cells, hain, simply we can say mesophilic cells, hain, leaves that water hai the air spaces. Ke क्योंकि वहां से वाटर ऑलरेडी वेपर्स के रूप में एस्केप करके बाहर चला गया था सो द मैक्सिमम ऑफ दीज वेपर्स एस्केप्ड थ्रो द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल ट्रांसफिरेशन का 90% परसेंट ट्रांसफिरेशन स्ट्रोमेटल ट्रांसफरेशन है दैट इज दैट अकर्स टकर द स्टोमेटा स्टोमेटा के थ्रू होता है और बाकी जो दो प्रकार के ट्रांसफरेशन हमने लिए यानी लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर ट्रांसफिरेशन वो लगभग लगभग 10% थे तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ द वाटर वेपर्स एस्केप्ड थ्रो द एस्ट्रोमेट ऑफ द लीव्स और क्यूटिकल के बारे में हमने बताया क्यूटिकल क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करती है वाटर के लॉस को बट सम ऑफ़ द वाटर कैन बी इवेपोरेटेड थ्रू इट एज वेल इसके थ्रू भी थोड़ा सा वाटर एस्केप कर जाता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स एफेक्टिंग ट्रांसफीरेशन ए लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर प्रेजेंट देट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफिरेशन उनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल हो सकते हैं आउटर एटमोसफियर की वजह से हो सकते हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो लीफ के खुद के हो सकते हैं या प्लांट के खुद के हो सकते हैं जिन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं सो दीज फैक्टर्स डियर स्टूडेंट्स आर कैटेगोराइज इन टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स में हमने इनको बांटा है सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं दीज आर रिलेटेड विद एनवायरमेंटल कंडीशन ये एनवायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड हैं यानी एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो ट्रांसफिरेशन को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं लेट एस टेक वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग लाइट लाइट इज द की फैक्टर फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा जो लाइट है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा को सुनिश्चित करती है आगे आने वाले कमिंग लेक्चर्स में आई विल टेक की स ऑफ लाइट इज एसेंशियल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए लाइटियल है और क्योंकि लाइट इज एसेंशियल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटाशियल फॉर स्टोमेटल ट्रांसफिशन इसलिए स्टोमेटल ट्रांसफिरेशन के लिए लाइट की का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है जो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इज द रेट ऑफ ट्रांसफिशन एंड वाइस वर्षा रीजन इज वेरी क्लियर रीजन जो यहां है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है हीट एनर्जी इंक्रीज करती है और अगर हीट एनर्जी इंक्रीज करती है तो इवेपोरेशन इंक्रीज करता है और इवेपोरेशन अगर इंक्रीज करता है देन डेफिनेटली देर इज मोर एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो द टेम्परेचर इफ इंक्रीज देन रेट ऑफ ट्रांसफरेशन ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा अपोजिट भी है इसका डियर स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ट्रांसफ्रेशन भी डिक्रीज करता है ना थर्ड फैक्टर आई एम टेकिंग विंड वेलोसिटी विंड रिमूव वाटर वेपर्स फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द लीव्स। जो लीव्स की विसिनिटी में वाटर वेपर्स गैदर हो गए हैं इकट्ठे हो गए हैं दोज कैन बी वास्ड अवे बाय द विंड वेलोसिटी विंड वेलोसिटी के जरिए या विंड वेलोसिटी की वजह से दोज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर और अगर वाटर वेपर्स रिमूव कर दिए जाएंगे लीव्स की विसिनिटी से सो वाटर वेपर्स का डिफ्यूज़न प्रेशर वहाँ कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसफिरेशन बढ़ जाएगा यानी एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स बढ़ जाएगा सो डियर स्टूडेंट्स एज मच एज इज द विंड वेलोसिटी द ट्रांसफरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी विंड विंड वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ ट्रांसफिरेशन बढ़ेगा और विंड वेलोसिटी घटेगी तो रेट ऑफ ट्रांसफिर भी घटेगा द नेक्स्ट फैक्टर द फोर्थ वन इज एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ ट्रांसफिर डियर स्टूडेंट्स मोर इज द एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी लेसर विल बी द ट्रांसफिरेशन एंड वाइस वर्सा अगर एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं वाटर वेपर्स का जो डिफ्यूजन प्रेशर है एटमोस्फेयर में वो बढ़ जाएगा एज कंपेरिजन टू द लीफ इन साइड सो द एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स इज रिड्यूस्ड इन अपोजिट कंडीशंस अगर एटमोस्फेयरिक ह्यूमिडिटी कम है उस केस में डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स इज लेसर देन दैट ऑफ इनसाइड द लीफ और हेंस द मोर वाटर वेपर्स कैन बी एस्केप्ड

यानी मीडियम ऑफ डिफ्यूज़न हेयर इज़ कंसर्न अगर वो डेंस है तो डिफ्यूज़न का रेट ऑटोमेटिकली कम है और ट्रांसफरेशन इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न और उसके लिए जो डिफ्यूजिंग मीडियम है उसका रेयर होना ज़रूरी है सो द एटमोसफेयर प्रेशर अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसफरेशन घटता है और अगर एटमोसफेयर प्रेशर घटता है तो so, ट्रांसपीरेशन बढ़ता है द सिक्स फैक्टर इज अवेलेबल सॉयल वाटर डियर स्टूडेंट्स, देर इज एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स इन द प्रोसेस प्रोसेस के अंदर वाटर वेपर्स का एस्केप है अब वाटर वेपर्स का एस्केप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी जितना वाटर अवेलेबल होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और जितना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ ट्रांसफिरेशन ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा नाउ आई एम गोइंग टू टेक द इंटरनल फैक्टर्स द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द फिजियोलॉजी मोर्फोलॉजी एंड एनाटोमी ऑफ द लीफ यानी प्लांट के खुद के अपने फैक्टर्स भी ट्रांसफिरेशन को अफेक्ट करते हैं किस प्रकार से करते हैं लेटोसटेक द फर्स्ट फैक्टर इज लीफ एरिया द फर्स्ट इंटरनल फैक्टर इज द लीफ एरिया रेट ऑफ ट्रांसफिरेशन इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ़ द लीफ एरिया डियर स्टूडेंट्स अगर लीफ एरिया ज्यादा है नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा हैं लीवस का साइज बड़ा है नो डाउट देर विल भी मोर ट्रांसफरेशन इन सच ए केस लीफ एरिया कम है नंबर ऑफ लीव्स कम है देर विल भी लेस ट्रांसफरेशन दिस इज अइंड ऑफ एडेप्टन एज वेल ये एक प्रकार के एडेप्टन भी है हम देखें डिजर्ट कंडीशन में जहां वाटर अवेलेबलिटी कम है जहाँ प्लांट को अपना वाटर कंजर्व करना है उस केस में वहाँ नंबर ऑफ लीवस एज वेल एज साइज ऑफ द लीफ इज लो या स्मॉल ऑन द अदर हैंड अगर हम रेनी फॉरेस्ट कंडीशंस में चले जाएं जहाँ वाटर अवेलेबलिटी इनफ है वहाँ ट्रांसफरेशन भी ज़्यादा है और ट्रांसफीरेशन ज़्यादा होने का कारण वहाँ लीव्स का साइज भी बड़ा है और लीवस का नंबर भी ज़्यादा है उन प्लांट्स के अंदर नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज एज ऑफ द प्लांट मोर इज द एज ऑफ प्लांट लेसर इज द ट्रांसफिर एंड वाइस वर्सा अगर एज बढ़ती है प्लांट की तो डिपोजिशंस बढ़ती हैं और अगर डिपोजिशंस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो ट्रांसफिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है यंगर प्लांट्स में ट्रांसफरेशन का रेट ज्यादा होता है नेक्स्ट इज द लीफ एनाटमी लीफ एनाटमी ऑल्सो प्लेज ए क्रूसियल रोल इन रेट ऑफ ट्रांसफिर प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल रिड्यूस द ट्रांसफिरे वैसे हमने एक टाइप का ट्रांसफरेशन किया है क्यूटिकुलर ट्रांसफरेशन ये भी देखा कि इट इज वेरी स्मॉल बहुत थोड़ा है टोटल ट्रांसफरेशन का अगर क्यूटिकल ना हो तो ट्रांसफिरेशन और भी ज्यादा लीफ की सरफेस से हो जाए लेकिन क्यूटिकल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से ट्रांसफिरेशन का रेट कम करती है हमने ये भी पाया जीरो फाइट्स के अंदर जो थिकनेस है क्यूटिकल की वो बढ़ जाती है और क्योंकि क्यूटिकल की थिकनेस बढ़ जाती है तो ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो जाता है नेक्स्ट इज मोर कॉम्पैक्टली अरेज्ड मीजोफिलिक सेल्स लेसर विल बी द ट्रांसफरेशन एंड वाइस वर्सा हमने देखा कि अगर सेल्स कॉम्पैक्टली अरेन्ज हैं तो वाटर इज केप्ट इन साइड द सेल्स इट सेल्फ सेल्स के अंदर ही वाटर रहेगा और वो अगर एयर स्पेसिस वहां प्रेजेंट नहीं है तो वाटर का एस्केप जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा वो कम हो जाएगा नेक्स्ट अ प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमेटा रिड्यूज ट्रांसफिरेशन दिज आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ स्टोमेटा वी कन से प्रेजेंट इन जीरो फाइट्स और दीज स्टोमेटा आर प्रजेंट ए लिटिल बिट इंटीरियर ऑफ द लीफ हैंस इस प्रकार के स्टोमेटाज की प्रेजेंस से ट्रांसफिरेशन का रेट घटता है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडेप्टन ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट्स टू कंजर्व वाट प्रेजेंस ऑफ वैक्स सुबैरिन कोटिंग ऑल्सो रिड्यूज ट्रांसफिरेशन ये जो कोटिंग्स हैं ये कोटिंग्स भी ट्रांसफिरेशन के रेट को कम करती हैं नाउ डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ ट्रांसफिरेशन देखिए ट्रांसफिरेशन के प्लांट के लिए फायदे भी हैं और प्लांट को नुकसान भी ये प्रक्रिया पहुँचाती है तो सबसे पहले हम फायदे लेते हैं एडवांटेज लेते हैं अब क्योंकि ये एडवांटेजियस है प्लांट के लिए इसलिए नेसेसरी भी है सो लेट अस टेक एडवांटेजेस क्या हैं क्यों नेसेसरी है द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सिंस वाटरेशन पुल इज द फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हेंस हैंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसफिरेशन मोर विल बी द वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रो द रूट क्योंकि हमने देखा एसेंट ऑफ सेप में हमने पाया कि अगर ट्रांसफीरेशन ज्यादा है तो एसेंट ऑफ सेप ज़्यादा है एसेंट ऑफ सेप ज़्यादा है इसका मतलब वाटर एब्जॉपन ज़्यादा है नेक्स्ट हम देखें रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर क्योंकि देयर इज एस्केप ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसफरेशन ट्रांसफरेशन के जरिए वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं इन द आउटर एटमोसफियर और जैसे ही वाटर वेपर्स बाहर आते हैं वो सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को कम कर देते हैं इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट की विसिनिटी के टेम्परेचर को या प्लांट के खुद के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ट्रांसफरेशन का मेजर रोल है नेक्स्ट एडवांटेज एबजॉर्बशन ऑफ मिनरल्स हमने देखा नॉट ओनली वाटर अलोंग विद इट मिनरल्स एज वेल मूव अपवर्ड्स ये भी मूव करते हैं और अगर ये मूव करते हैं दे आर एब्जॉर्ब थ्रो द रूट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब भी होते हैं सो मिनरल्स विच आर एब्जॉर्ब विच आर टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द डिजोर््व फॉर्म थ्रो द रूट्स डेफिनेटली ट्रांसफोरेशन बढ़ता है तो जो डिजोर्व मिनरल हैं दे आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट्स थ्रो द रूट्स विद द इंक्रीज रेट बढ़े हुए रेट के साथ तो डेफिनेटली इट कैन ऑल्सो भी रिलेटेड विद ट्रांसफोरेशन नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स अब क्योंकि मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए दे आर टू बी ट्रांसलोकेटेड टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लांट के अपर पार्ट्स में भी उनको जाना है तो जैसे जैसे वाटर मूव करता है डिजोल्व मिनरल्स भी उसके साथ मूव करना शुरू कर देते हैं जितना ज्यादा ट्रांसफरेशन होगा उतना ही वाटर अपवर्ड मूव करेगा और साथ के साथ डिजोल्व मिनरल भी उसी रेट से अपवर्ड मूव करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफरेशन अब क्योंकि ट्रांसफिरेशन के प्लांट के लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं इसलिए यह प्लांट के लिए एक एविल का काम करता है सबसे पहले हम ले रहे हैं लॉस ऑफ वाटर प्लांट टोटल वाटर का पचानवे परसेंट लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। एंड ओनली फाइव परसेंट इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज केवल पांच ही परसेंट वो जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करता है इसका मतलब एक ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सेकेंड हम देखते हैं विल्टिंग एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन कॉज लॉस ऑफ टर्जिडिटी बाय द प्लांट सेल्स होल ऑफ द प्लांट शो विल्टिंग सिम्टम्स अगर प्लांट सेल uh, से वाटर बाहर जाता है तो वो अपनी टर्जिडिटी लूज करती हैं और ओवरऑल देयर इज द विल्टिंग सिम्टम्स अपीयर इन द प्लांट या इन द लीवस नाउ डेसिकेशन ऑफ द प्लांट इशूज डेफिनेटली अगर टर्जिडिटी लूज करता है प्लांट देन इट बिकम स्मूथ और इजियर टू अंडर गो डेसिकेशन द प्लांट इशूज वेन बिकम वाटर डेफिशियंट ऑल्सो अंडर गो डेसिकेशन एंड गेट इंजर्ड और उनके अंदर इंजरी भी हो जाती है नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा मेटाबोलिक बर्डन द जीरो फाइट्स हैव टू डप सर्टन additional structures like cuticle, sunken type of stomata, reduction in number of stomata, secretion of waxy covering or addition of suberin. इसका मतलब हम कह सकते हैं जब इतने सारे structures किसी plant को extra add करने हैं that means an extra metabolic burden is imparted on the plant. Plant के ऊपर एक extra metabolic burden बढ़ जाता है नाउ फार ऑफ द लीव्स डेसिडोस प्लांट्स हैव टू शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर वाटर कॉन्टेंट जो डेसीडोस प्लांट्स होते हैं उनको अपना वाटर कॉन्टेंट कंजर्व करने के लिए एक थोड़े से पीरियड के लिए लीव्स को सेड करना पड़ता है सो दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ डिसएडवाटेज फॉर द प्लांट नाउ ट्रांसफीरेशन बिकॉज इज एडवाटेजियस एज वेल एज डिसज पूरी की पूरी प्रक्रिया में हमने देखा बहुत सारे एडवांटेजेस भी ट्रांसफिरेशन के थे प्लांट के लिए और डिसएडवांटेजेस भी प्लांट के लिए ट्रांसफिशन के हैं इसलिए हम इसको एक नेसेसरी एविल दोनों टर्म्स को अगर जोड़ दें तो तैयार कर सकते हैं सो द ट्रांसफिरेशन कैन ऑल्सो बी सेट एज नेसेसरी एविल फॉर द प्लांट्स ये जो टर्म है नेसेसरी एविल दिस वॉज गिवन बाई कर्टिस इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स नाव डिफ्रेंसिस बिटवीन ट्रांसफरेशन एंड इवेपोरेशन क्या पॉसिबल डिफरेंसेज हैं ट्रांसफिरेशन और इवेपोरेशन के ट्रांसफिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है ट्रांसफिरेशन के लिए लिविंग सेल्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है जबकि लिविंग सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इवेपोरेशन जो फोर्सेज हैं ट्रांसफिरेशन के पीछे दोज कैन बी डिफ्यूजन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जबकि इवेपोरेशन में केवल और केवल डिफ्यूजन प्रेशर इन्वॉल्व है या केवल डिफ्यूजन प्रेशर ही इवेपोरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसफीरेशन में देर इज लॉस ऑफ वाटर ओनली केवल वाटर ही एस्केप करता है और दैट एस्केप इज थ्रो स्टोमेटा क्यूटिकल और लंटी सल्स जबकि दूसरी तरफ इवेपोरेशन में देखें एनी ऑफ द लिक्विड कैन भी इवेपोरेटेड कोई भी लिक्विड इवेपोरेट हो सकता है और यह ना किसी स्टोमेटा की जरूरत है ना इपिडर्मिस की ज़रूरत है ना क्यूटिकल की जरूरत है और ना ही लंटी सेल्स की जरूरत है उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंक्लूडिंग वन इन दिस लेक्चर एंटी ट्रांसफिरेशन द प्रोसेस बाई विच ट्रांसफिरेशन इज अवॉइडेड इज कॉल्ड एंटी ट्रांसफरेशन ऐसा ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ट्रांसफरेशन को कम कर सकते हैं एंटी ट्रांसफरेशन कहलाती है और सबस्टांसिस

दिस हेज़ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन सर्टन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हैं कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे द अदर ट्रांसपेरेंट इज एब्सिसिक एसिड ए बी ए जो एक फ़ाइटो हारमोन है फाइटो हारमोन एबसिसिक एसिड एक प्रकार से हम कहें इनहिबिटिंग हारमोन है जो मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ को कम कर देता है और क्योंकि ये मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ को कम कर देता है तो इसका मतलब ये स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को भी कम कर देता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है कुछ दूसरे फैक्टर भी जो ट्रांसफीरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं उनमें लो पीएच एंड हाई सीओ टू अगर प्लांट की इंटीरियर पीएच कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके अंदर बढ़ जाती है ये दोनों की दोनों कंडीशंस स्टोमेटा के क्लोजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं और क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर लॉस है या मैक्सिमम जो ट्रांसपीरेशन है वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है इसलिए ये दोनों के दोनों फैक्टर्स ट्रांसपीरेशन को कम करते हैं एंटी ट्रांसफिरेंट के रूप में काम कर सकते हैं इन सच कंडीशंस गिवन इन द स्लाइड द एंटी ट्रांसफीरेंट्स क्लोज स्टोमेटा हेंस रिड्यूज ट्रांसफरेशन इसलिए वो ट्रांसफरेशन को कम कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने ट्रांसफरेशन के बारे में जाना ट्रांसफरेशन के टाइप्स के बारे में जाना ट्रांसफरेशन का मैकेनिज्म देखा एडवांटेजेस देखे डिसएडवांटेजेस देखे साथ के साथ कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसफरेशन को अफेक्ट करते हैं एज वेल एज वी डिस्कस्ड एंटी ट्रांसफरेंट्स उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा थैंक यू